जैसे हम लोग कहते हैं कि लिफाफे खत का मजमून नहीं पढ़ते हैं, यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ऐसे हम लोग जब सक्सेस को देखते हैं तो सक्सेस को देख के एक बात जरूर रखनी चाहिए दिमाग में कि उस सफलता के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां लिखी गई हैं, और जो लोग उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो उस लोग उस पाथ को रिविजिट करने की कोशिश करेंगे, वही लोग आगे जा पाएंगे। तो हमारी जब बिजनेस की जर्नी जब शुरू हुई तो इट वाज नॉट ए स्मूथ पाथ, नॉट एवरीथिंग हैपेंस लाइक जिस तरह सोचा, सब आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो इट वाज मैनी मैनी थिंग्स वाज वेरी टफ, सो मैनी थिंग्स। नए तरह का कॉन्सेप्ट था, नई तरीके का बिजनेस था, ऐसा कभी देखा नहीं था, ऐसा कभी सुना नहीं था, एंड देर वॉज सो मैनी अप्रिहेंशन इन द फैमिली सब तरफ। लेकिन एक चीज हम लोगों ने समझ गए थे, हम लोग जो है ये बिजनेस जो है ना, ये टीम वर्क का बिजनेस है। जब आप एक टीम बना के चलते हैं, जब आप टीम के साथ जुड़कर चलते हैं, तो दो चीजें होती हैं, एक तो आप कैप्टन बन जाते हैं और एक आप खिलाड़ी बन जाते हैं, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। क्योंकि आप अपने काउंसलिंग अपलाइन की टीम के खिलाड़ी होते हैं और आपकी टीम जो आपसे शुरू होती है उसके आप कैप्टन होते हैं, लेकिन दोनों मर्यादाओं को साथ साथ ही निभाना पड़ता है। अगर इनमें से एक भी मर्यादा छूटी तो दूसरी अपने आप छूट जाएगी। अगर आपने सिर्फ कैप्टन बनने के लिए अपनी रजामंदी दी तो आप खिलाड़ी भी नहीं रह पाओगे, और अगर आप सिर्फ खिलाड़ी बने रहे और कैप्टन नहीं बने तो आप लीडर नहीं बन पाओगे इस बिजनेस में, प्यादे ही रह जाओगे। वी नीड टू वर्क ऑन बोथ द डिसिप्लिन, दोनों ही चीजों पर हमें काम करना है। तो ये काम कैसे होता है मैं थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली, कि जो फंडामेंटल्स जो होते हैं ना वो कभी बदलते नहीं है, टेक्निक्स बदल जाती हैं, काम करने के ढंग बदल जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग एक संधि काल, एक बदलते हुए युग में जी रहे हैं, जहां पर चीजें बहुत बड़े रूप में बदल रही हैं, और इस बदलते हुए काल में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो क्या होगा, हम ऑब्सोलीट रह जाएंगे। ये बात सच है, साथ साथ सच ये भी है, फंडामेंटल्स नेवर चेंज, और उन्हीं फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल है समथिंग कि हम लोग कैसे टीम में अपनी रिलीवेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले आप अच्छे खिलाड़ी बनिए, यू बिकम द सर्वर फर्स्ट, ओनली ए सर्वर बिकम ए लीडर। और यहां पर मैंने एक बात समझी है, चूज योर बैटल्स, चूज योर प्लेयर्स, चूज योर टीम एंड देन कमिट एंड सबमिट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे अपलाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को समर्पित कर दो, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले डाउट दूर करो। एमवे के बारे में तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी को डाउट होगा, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एमवे ने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को ग्लोबली और इंडिया में बार बार प्रूव किया है। तो वी नीड नॉट टू गिव, कंपनी नीड नॉट टू गिव एनी प्रूफ टू एनी वन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। द क्वेश्चन कम्स, डू यू हैव ए ट्रस्ट ऑन योर काउंसलिंग अपलाइन? अगर कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद ना हो तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में परफेक्ट लोगों की जगह नहीं है, परफेक्ट लोगों को ईश्वर अपने पास बुला लेता है, इम्परफेक्शन हम सबके अंदर है, उस इम्परफेक्शन के साथ ही हम लोग जीते हैं, अपने अपने, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। लेकिन कार्डिनल रूल एक ऐसी चीज होती है जो वायलेट हमें किसी भी कीमत पर ना तो करने हैं ना होने देने हैं। क्या होते हैं कार्डिनल रूल, जस्ट क्विक रिव्यू, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी नया आइडिया आए तो पहले एक बार डिस्कस कर लो अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ। नेवर एवर मैसअप विद एनीबडीज स्पाउस मनी एंड ईगो, किसी के स्पाउस अपोजिट सेक्स के साथ, किसी के पैसे के साथ और किसी की ईगो के साथ हमें मैसअप नहीं करना है, एंड नो इंटॉक्सिकेंट, किसी भी तरह का नशे वाला पदार्थ हमारी मीटिंग में अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग फैमिली एनवायरनमेंट में इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। तो ये चीजें अगर कहीं पे वायलेट नहीं हो रही हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि
नोबडी इज परफेक्ट, और हम लोग वहां पर आगे चलते हैं, साथ में चलते हैं, टीम के साथ, काउंसलिंग अपलाइन के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। बिकॉज मेरा ये मानना है कि समय, काल, परिस्थिति और बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक ही व्यक्ति विशेष के साथ होने वाली बातों को बदल देते हैं। वी नेवर नो। ऐसे हम लोग जब एक जिंदगी बिताते हैं ना अपनी, वी आर लिविंग विद ऑल आवर कमिटमेंट्स, ऑल आवर लिमिटेशंस, जॉब भी है, बिजनेस भी है, हेल्थ भी है, बच्चे भी हैं, समाज भी है, नंबर ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर चलते रहते हैं, जिसे हम केमिकल लोचा कहते हैं, जिससे हमारे माइंड्स अप्स एंड डाउन होते हैं। उन सब के साथ साथ जब हम बातें करते हैं, काम करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, देन व्हाट हैपेंस? कई बार हम लोग चीजों को समझ पाते हैं और कई बार हम लोग चीजों को थोड़ा देर से समझ पाते हैं। तो आपको टीम प्लेयर बनने के लिए ना, अपने आप को कुछ समय के लिए अपने उस अपलाइन के साथ, जिसके कंधे का सहारा लेकर आप दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंधे को मजबूती देने का प्रयास करना है। यू बिकम समबडी इज सपोर्ट टू योर सपोर्टर, मिरेकल विल हैपन। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये आपकी मिरर इमेज होता है। आप जिस तरह की वैल्यूज और कल्चर्स के साथ इस बिजनेस में जीते हैं, उसी तरह की वैल्यूज और कल्चर आपके बिजनेस में आने लगती है। बिकम ए टीम प्लेयर। हर उस एक्टिविटी, हर उस मीटिंग को फॉलो करिए जो आपका काउंसलिंग अपलाइन कहता है। हर चीज को थोड़े समय के लिए अपने दिमाग को उठाकर कहीं रख दो, थोड़े समय के लिए। जब हम बात करते हैं ना सबमिशन की, सबमिशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिबेलियन। सबमिशन का मतलब होता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ना, उसके साथ हम तर्क तो करते हैं लेकिन कुतर्क नहीं करते हैं। उसके साथ हम लोग संवाद तो करते हैं लेकिन हम उसके साथ संवाद, संवेदनशील होकर संवाद करते हैं, संवादहीनता की जगह पर नहीं पहुंचते, जहां पर हम लोग बातें करते करते बहस में जुट जाते हैं। मैं जानता हूं कि हम सभी लोग अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन जब हम लोग टीम की बातें करते हैं, आई बिलीव देयर इज सम वॉइस समवेयर। जब हम टीम की बातें करते हैं, जब हम टीम के साथ जुड़ने की बातें करते हैं, जब हम अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें करते हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं, ऐसा लग सकता है हमको कि द सिचुएशन शुड नॉट बी लाइक दिस। टेक सम टाइम। एक बहुत फेमस मनो वैज्ञानिक हुए गुरजीएस के नाम से, उन्होंने एक कहानी में बताया था, एंड दैट इज ऑफ वेरी रेलिवेंस टू ऑल ऑफ अस। उनके पड़ोस में जो है एक फैमिली रहती थी जिसमें एक बच्चा था 10-11 साल का, उसे गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा भी इतना आता था कि वो दिमाग पे चढ़ जाता था और वो सीधा फिर हाथ पैरों से बात करने लगता था। बहुत परेशान थे उसके पिता। गुरुजेस के पास आए, कहते हैं बताइए क्या करें। वो कहता है इसको बोलो कि जब भी गुस्सा आए ना, तो बस एक काम करा करे, 100 तक गिनती गिन लिया करे, दूर हो जाएगा। थोड़े दिन ठीक रहा, चलता रहा। एक दिन जब वो आए अपने कॉलेज से वापस, तो देखा कि वो एक बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है और उसका कॉलर पकड़ के बस लग रहा है कि जैसे तो पीटने वाला है। तो फटाफट दौड़े हो गए, कहते मैंने तुझे कहा था कि भाई गिनती गिनियो 100 तक, गुस्सा दूर हो जाएगा। कहता गिनती तो गिन रहा हूं, गिनती गिनने के बाद इसे पीटना है, इसलिए इसे पकड़ के बैठा रखा है। यू नो व्हाट हैपेंस? कई बार हम लोग जो है ना, हम लोग कंडीशनल सबमिशन करते हैं।
अपनी बातों को बड़ा करने के लिए तर्क की जगह पर कुतर्क देने लगते हैं। एंड हेयर कम्स द प्रॉब्लम, हेयर कम्स द सिचुएशन, जिस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एमवे बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल ह्यूमन बींग से डील करते हैं। हम लोग हमारे और आपके जैसे इंसानों के साथ बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और वहां पर बहुत सारे समय हम लोगों को एक विजन, एक आने वाले कल को देखकर डिसीजंस लेने होते हैं। तो बिलीव करिए उस पर्सन पर जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी किल होती है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब आप एम्पावर करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहा था, उस कंधे को शक्ति दीजिए। जब आप एम्पावर करते हैं तो आप खुद एम्पावर्ड हो जाते हैं साथ साथ। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बी ए टीम प्लेयर, बी समवन, बी समबडी, ठीक है ना। और ये बात पे बिल्कुल निश्चित है कि अगर हमको सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अभी सभी लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं इंडिया में, अगर हम लोग बात करें, जो गोल्ड मेडल आया नीरज चोपड़ा का, एंड भरा पड़ा है न्यूज़पेपर, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, आप जहां देखो उसी के नाम के चर्चे हैं हर तरफ। और अभी जब मैंने 2 दिन पहले अपनी वीडियो रिलीज करी थी नीरज चोपड़ा पर, मैंने थोड़ा स्टडी किया था, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, 3 मई 2019 को नीरज चोपड़ा का ऑपरेशन हुआ था, उसकी राइट आर्म लॉक हो गई थी। कैन यू इमेजिन, समबडी हु इज ए जेवलिन थ्रो प्लेयर, भाला फेंकने वाले का वो हाथ जाम हो जाए जिससे भाला फेंकता है, तो खत्म हो गया। क्या बचा उसके बाद? नथिंग, नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग। 3 मई 2019, 2021 में ओलंपिक्स हैं, और ऑपरेशन के बाद भी उसे 4 महीने का मिनिमम रेस्ट करना है, नो मूवमेंट इन द हैंड। एंड द मैसेज जो उसने वहां पर दिया था इंटरनेट, जो अपने ट्विटर ट्वीट में लिखा था, और जो उसके डॉक्टर ने बोला, वेरी फेमस डॉक्टर फ्रॉम मुंबई, कि ही वाज एट दैट टाइम ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड, क्योंकि उसको पता था जो टाइम निकल गया है ना उसको पूरा कर लेगा, विश्वास। वो जो समय होता है ना जब हम लोग अकेले होते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, ठीक है ना। देखिए, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन जो है ना, वो हम लोग जो है जब हम लोग अपने विचारों से हार जाते हैं, एकांत वो होता है जिसे हम चूज करते हैं, वी वॉन्ट टू एम्पावर अवर सेल्फ। तो अकेलेपन और एकांत को एक मत समझना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हम लोग इस स्थिति में तब पहुंचते हैं जब हम लोग अपने साथ जुड़ाव करते हैं। मैं ये बातें जो आप में से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी फिलोसफिकल लग रही हो, लेकिन इन बातों को मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग इस बिजनेस को करते हुए बहुत बार ऐसे मुकामों से गुजरते हैं, बहुत बार ऐसी चीजों से गुजरते हैं जब हमको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, उसने मना कर दिया, ये हो गया, ऐसे क्यों कर लिया। शायद हम लोगों की किस्मत में नहीं है, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थॉट्स विच आर नॉट नॉट ट्रू, क्योंकि संघर्षों की दास्तान से ही तो विजय की यात्राएं खड़ी होती हैं। विजय का परचम लहराने के लिए अगर संघर्ष नहीं है रास्ते में, तो वो विजय भी बेमानी है, उसका कोई मोल नहीं है। अनमोल इस बिजनेस में पिन तभी होता है जब आप तमाम तरह के संघर्षों से गुजरते हैं, और वो संघर्षों की यात्रा अक्सर आप अपने अंदर ही कर रहे होते हैं। मैं एक डायमंड की बात पढ़ रहा था डेक्सटर वेगर की हैंडबुक में, एंड ही वाज टॉकिंग, क्योंकि अब तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं गाजियाबाद, आप लखनऊ, और हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग गाड़ियां उठा के जाते थे लोगों से मिलने के लिए, और दूर जाते थे मिलने के लिए, और वहां पर नो शो होता था, बंदा नहीं मिलता था, मना कर देता था, झूठ बोल देता था, और आप वापस लौट रहे होते थे अकेले सुनसान सड़कों पर, तब वो जो संवाद चल रहा होता था अपने आप से,
वो संवाद आपको एम्पावर कर रहा है, वो आपको अकेलेपन की तरफ ले जा रहा है, या आपको एकांत का आनंद दे रहा है। वहां पर वो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो डिफरेंस एक ऑर्डनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में कन्वर्ट करता है। ये बिजनेस दोस्तों अपने आप से जुड़ने की यात्रा है, और जब हम लोग अपने आप से बात करने लगते हैं, जब हम अपने आप से एम्पावर होने लगते हैं, जब हम लोग एकांत का आनंद लेने लगते हैं, जब हम लोग जान जाते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तब हम लोग बिजनेस में बहुत आगे निकल सकते हैं। दैट इज ट्रू फॉर मी, दैट इज ट्रू फॉर यू एज वेल। वर्क हार्ड, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, एंड डोंट वेट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम इज राइट नाउ। हम में से कई लोग, बहुत सारे लोग उस समय का वेट करते हैं जो समय सबसे सही होगा, वो समय कभी नहीं आएगा। जैसे सूफी फकीर होते हैं ना, ऐसे ही जैन फकीर भी होते हैं। जैन फकीर थे जो है, वो बैठे थे नदी के किनारे, बहुत माने हुए फकीर थे, बैठे थे तो बैठे हैं, बैठे रहे, बैठे ही रह गए। लोग आते, कोई पैर छूता, कोई नमस्ते करता, कोई कुछ कहता, बैठे थे। सुबह से दोपहर से शाम हो गई, लोगों को लगा नदी पार करनी है, नाव का अरेंजमेंट हुआ, नहीं नहीं जाना, नहीं गए, कैसे जाए, किसी की हिम्मत भी तो नहीं पूछने की, क्या पूछे, कैसे पूछे। एक आदमी ने पूछ ही लिया, गुरुदेव क्या नदी पार करनी है? कहता पार तो कर लूं, ये नदी तो रुके, कैसे करूं पार, इंतजार कर रहा हूं, जब रुक जाए तब पार कर लूंगा। कहता जी ये तो कभी नहीं रुकेगी। और जो लोग आसपास इकट्ठे हो गए थे, उन्हें लगा कि आज जैन फकीर तो हमारे कहीं और पहुंच गए हैं, ये नदी तो कभी नहीं रुकेगी, ये नदी तो कभी नहीं रुकेगी। जैन फकीर ने कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं बार बार, दुनिया में, जीवन में अगर विपत्तियां किसी की कभी रुकने का नाम लेंगी, तो वो जगह है जिसे हम कहते हैं शमशान घाट, जहां पर इंसान जब आके रहता है तो उसको उठने की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, सब दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। और हम लोग वेट करते हैं राइट टाइम का। कौन सा राइट टाइम, कब आएगा? जब तक ये जोश, जुनून, जज्बा, जब तक ये मोटिवेशन, जब तक ये एक्साइटमेंट, जब तक ये बिलीफ, जब तक ये कमिटमेंट, जब तक ये जज्बा हमारे अंदर नहीं आएगा, और जब तक हम खुद से शिद्दत से काम करने का अपना मन नहीं बनाएंगे, तब तक पाते ही होंगे। कागजी शेरों से दुनिया नहीं चलती है। बातों के धनी बनिए, लेकिन बातों के धनी ही मत बनिए सिर्फ। असली धनी वो होते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों की भाषा जानते हैं। अगर यहां पर कहीं से लगाव छूटा, अगर इनमें से किसी बात में, किसी में अगर अपने आप को पीछे रखा, यू नो व्हाट विल हैपन। कहते हैं ना कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। जिस दिन दर्पण ने झूठ बोलना शुरू किया, उस दिन समझिए कि आपका पतन शुरू हो गया। प्रोडक्ट यूज करेंगे अपने, इट्स गुड टू से, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट हो जाता है। बुक पढ़नी है, प्लान दिखाना है, ये करना है, वो करना है, कहिए पर करिए भी। जब तक हम उसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना,
नहीं होगा, अब नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, या ऐसे ही है जैसे नया साल आता है ना, बड़े सारे लोग होते हैं जी, नया साल आते ही मॉर्निंग वॉक शुरू, नया साल आते ही ये खत्म, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, खुद को बहलाते हैं, खुद को बहलाते बहलाते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो संपर्क सूत्र अपने मन के द्वार से होकर निकले नहीं है ना, तो उनके अंदर वो खुशबू आई नहीं है जो असली फूलों में होती है। प्लास्टिक के फूल कितने ही सुंदर क्यों ना लगे, वो सुगंध नहीं बिखेर सकते, वो प्लास्टिक के हैं और प्लास्टिक के ही रहेंगे। असलियत तो मन से आएगी, निर्णय तो मन से लेना है। ये सोच जब तक आपके अंदर से नहीं गुजरेगी ना, जब तक आप ये बिलीफ आपके अंदर से नहीं गुजरेगा, तब तक शायद बातें तो होंगी कुछ समय के लिए, लेकिन अगर कुछ करोगे भी ना, तो उस करने में वो जोश और वो जज्बा नहीं आएगा जो आने वाले साल में आपके महीनों को बदल कर रख देगा। डायमंड तो आज भी बहुत सारे ग्रुप में पब्लिश हुए, आए हैं, हमारी टीम से भी आए, और टीमों से भी आए, आएंगे, चलेगा। लोग तो लिखेंगे संघर्षों के बाद विजय की दास्तान, उस दास्तान में आपका नाम है या नहीं, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, वर्मा जी नहीं कर सकते, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड नहीं कर सकते, आपकी सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके लिए कर सकता है। वो संघर्ष है किसी भी तरह के हो, वो संघर्ष चाहे अपने पारिवारिक जीवन को सुधारने के हो, चाहे अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के हो, चाहे अपने आप को थोड़ा और हेल्दी बनाने के हो, चाहे अपने आप को एमवे बिजनेस में एक मुकाम पर ले जाने के हो, निर्णय तो ये हमेशा आपको करना है। ये निर्णय करिए शिद्दत से, और जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल्स नेवर चेंज, फोर बेसिक्स, नाइन कोर स्टेप, थ्री पावर्स, थ्री कार्डिनल रूल, और यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इसे बिजनेस ऑफ कपल्स, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करिए, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो जरा देखने, समझने, जानने की कोशिश करिए कि कौन से वो कारण है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। अक्सर हम लोग गलतियां दूसरे में ढूंढते हैं, उंगलियां जब उठती हैं सामने तो चार उंगलियां होती हैं हमारी तरफ, लेकिन जब हम अपनी तरफ करते हैं बातें तो सभी उंगलियां हमारी ही तरफ होती हैं, द्वंद नहीं रहता फिर उंगलियों में, कंफ्यूजन नहीं रहता। एंड डिसीजंस अगर आप लेंगे और डिसीजंस को लेकर अगर आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशंस जो आपके सामने थी, वो सिचुएशंस जो आप किसी भी वजह से आपकी ग्रोथ में बाधा बनी हुई थी, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेंगी, क्योंकि आपका बिजनेस होता ही आपकी मिरर इमेज है। एक बार अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा, इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट, अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा एक फर्म कमिटमेंट और थोड़ा सा एक फर्म बिलीफ के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने आप को लेकर आए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो आप महसूस करेंगे ऐसा नहीं है कि संघर्षों के बादल तब अपने आप छट जाएंगे, वो तो छाटे छटेंगे सिर्फ और सिर्फ उस मंजर से,
उस जज्बे से जो आपके अंदर से निकलेगा, वो लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना है। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं आपसे, डोंट वरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी। हम लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के द्वार पर खड़े हुए हैं, हम लोग संधि काल में हैं। यहां पर प्रश्न बस ये है कि क्या हम लोग यहां पर अपने आप को इस लायक बना पाएंगे कि हम लोग इस अप्स एंड डाउन्स में आगे बढ़ पाए, क्योंकि अगर आगे बढ़ गए तो फिर ग्रोथ छोटी मोटी नहीं होगी, ग्रोथ बेजोड़ होगी, अनुपम होगी, एक ऐसी ऊंचाइयों को छूने वाली होगी जिसकी पराकाष्ठा असीमित है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, यू नीड टू टेक ए फर्म डिसीजन। ये जब हम लोग काम करते हैं ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, हमको ऐसे साथी मिल जाते हैं। टीम प्लेयर बनेंगे तो टीम कैप्टन भी बनेंगे, और वो जब टीम कैप्टन हम बनते हैं तो हमको भी ऐसे खिलाड़ी मिल जाते हैं जो आपको टीम कैप्टन मानेंगे और आगे टीम कैप्टन बनने की कुव्वत रखते होंगे अपने अंदर। एंड देन इट विल कम टू द लेयर्स ऑफ लीडर्स, लेयर्स ऑफ लीडर्स। थिंक अबाउट द बिजनेस, मेहनत भी करनी है और थिंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो भी मैं बातें कर रहा हूं, आप बहुत सारे लोग, एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, थोड़े नोट्स बनाइए, थोड़ा देखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए। इट इज नॉट लाइक कि जो भी मैं कह रहा हूँ, इट इज गुड फॉर एवरी वन इन एवरी एस्पेक्ट। कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बदलिए अपने आप को, क्योंकि अगर बातें यहीं पर खत्म हो गई ना, मीटिंग खत्म होने के साथ साथ, तो विश्वास मानिए आपका और मेरा टाइम वेस्टेज है। ये बातें आगे चलनी चाहिए, इन बातों से आगे गठजोड़ बनाना है, इन बातों को अपने दिल में उतारना है, इन बातों के साथ केवल सामंजस्य ही नहीं बिठाना है, इन बातों को अपने साथ जोड़कर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। और जब ये बदलाव जो है ना एक ऑनगोइंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस, सतत, अहर्निश, ना रुकने वाला, परिस्थितियों से ना दबने वाला, हमेशा आगे की तरफ देखने वाला, तो अगस्त तो 2021 में भी आया है और अगस्त 2022 में भी आएगा। कहां पर बैठे होंगे आप और कहां पर बैठे होंगे हम, ये डिसाइड करेगा कि क्या आप करने जा रहे हो और क्या हम करने जा रहे हैं। इट्स योर लाइफ, टेक सम डिसीजन, टेक सम डिसीजन। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल। अनंत काल का जीवन हमें किसी ने नहीं दिया है, छोटा सा जीवन है, एक ही है, बस एक ही। इसी को अगर अविस्मरणीय बनाना है, समथिंग ऑफ एसेंस, वर्थ वाइल, तो डेली डिसिप्लिन चाहिए। कहते हैं ना, अगर हमको अपने आप को बदलना है तो हमको अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतें जो होती हैं ना, वो संग्रह होती हैं हर उस चीज का जो हम रोजाना करते हैं। कैन नॉट बी जस्ट फॉर ए निक ऑफ टाइम। आज आशीष जी बोले, आज ये सीडी सुनी, आज यहां सुना, आज यहां देखा, आज लगा कि करते हैं कुछ, आज कर डालते हैं कुछ, और कल को जब जीवन की उठा पटक आई सामने, क्या करेंगे यार। क्या करेंगे, वो डायमंड वो जा सकता है, हम नहीं जा सकते।
हार के बाद बोलना सबसे आसान काम है और मूर्खों का काम है। जीत की भाषा बोलना वीरों का काम है। 3 मई 2019 को जब वो फ्रोजन शोल्डर के साथ बात बोली गई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने, उसकी वक्त उस बात से ज्यादा है जो उसने गोल्ड मेडल जीतने के बाद स्टेडियम में कही थी या आज कहता है वो किसी भी टीवी चैनल में। क्योंकि जब आपको दुनिया सिर्फ कंधे पे बिठा लेती है ना, तब तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। बड़ी बड़ी बातें करना कठिन तब होता है जब आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, रीड बुक्स। बुक्स को अपना दोस्त बना लो, बुक्स को अपना साथी बना लो, बुक्स को अपना संगी बना लो, बुक्स के साथ ऐसा गठजोड़ बना लो कि उसके बिना लगे कि जीवन अधूरा है, कम से कम आधा घंटे। और मैं सारी वो बातें बोल रहा हूं जो मैं करता हूं अपने साथ। अगर मैं आपको असली शेर बनाना चाहता हूं तो मैं कागजी शेर नहीं हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि अपने मुंह मियां मुट्ठी बनना अच्छी बात नहीं है, बट शायद किसी को अच्छी लगे मेरी बात, बिकॉज मैं वास्तव में बुक्स पढ़े बिना सोता नहीं हूं, चाहे वो 15 मिनट पढ़ूं चाहे आधा घंटा। वो दिन भर की बुक्स अलग हैं, वो जो पढ़ता हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रात को सोने से पहले जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, बुक्स पढ़िए। अपने आप को आगे ले जाने के लिए अपने आप पर ही काम करना है, और वो कभी किसी दिन नहीं होगा, वो आज और अभी होगा और लगातार होगा। अगर ये कर लिया तो जंग जीत ले। दोस्तों, एमवे बिजनेस गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है अपने आप को, देन यू नीड टू वर्क इट फ्रॉम योर बॉडी माइंड एंड सोल ऑन एंड ऑन गोइंग बेसिस। कीप इट अप, करिए, बढ़िया कर सकते हैं आप। ओके, कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए, सफलता बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। जस्ट जॉइन इट। थैंक यू।